बॉलीवुड की महान अदाकारा श्रीदेवी की निधन की खबरें सुर्खियों में हैं। एक्टर के तौर पर वो महान अदाकारा ही नहीं बल्कि पहली सुपरस्टार हीरोइन भी है, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में लगता है कि वो हमेशा असुरक्षा से ग्रस्त रही और कुछ बातों को कभी भी नहीं भुला पाई, जिसके चलते जब भी उनके पति बोनी कपूर अपनी पहली पत्नी या उनके बच्चों से मिलते थे तो वो इसे कभी स्वाभाविक तरीके से नहीं ले पाती थी। दरअसल श्रीदेवी 1996 में सत्ती शौरी द्वारा किए गए व्यवहार को इतने सालों के बाद भी नहीं भूल पाई थी। उस समय तक बोनी और मोना पति पत्नी हुआ करते थे और श्रीदेवी दूसरी महिला। तब तक बोनी और श्रीदेवी के नजदीकियों की खबरें आने लगी थी। तभी ये भी खबर आई कि वो गर्भवती हैं। मोना इससे बहुत आहत हुई। उन्होंने चुपचाप खुद ब खुद बोनी से दूरियां बना ली। लेकिन ये बात मोना की फिल्म निर्माता माँ को बर्दाश्त नहीं हुई। उस दौरान जब सत्ती को मालूम हुआ कि बोनी और श्रीदेवी जुहू के एक 5 सितारा होटल में आए हुए हैं, तो वो दंदनाते हुए वहां पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने श्रीदेवी के पेट पर मारने की कोशिश भी की, जिसके कुछ महीने बाद श्रीदेवी ने अपनी पहली बेटी जानवी को जन्म दिया। इसे श्रीदेवी कभी नहीं भूल पाई है। वहीं जब सत्ती का निधन हुआ तो पूरा कपूर परिवार अंतिम संस्कार में पहुंचा। बोनी भी इसमें गए थे। निधन के 2 दिन बाद एक प्रार्थना सभा रखी गई थी, इसमें भी सभी पहुंचे थे। अर्जुन और उनकी बहन अंशुला अपनी नानी से भावनात्मक तौर पर ज्यादा करीब थे। वहीं पति का वहां जाना श्री देवी को अच्छा नहीं लगा और बोनी इसे लेकर उनके गुस्से का शिकार भी बने। वहीं जब एक बार बोनी पहली पत्नी से मिले और अपने दोनों बच्चे अंशुला और अर्जुन को लेकर पिकनिक पर गए, तो लौटने पर श्रीदेवी उनसे काफी नाराज हुई थी। और इन्हीं बातों को लेकर बोनी कपूर और श्रीदेवी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।